गुड मॉर्निंग। टुडे इज सैटरडे और डेट है आज 18 महाशिवरात्रि। अभी हमने सुबह एक शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया, अपलोड भी कर दिया, उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा या नहीं। मैं ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि हमने एक कद्दू को तोड़ा है, जानबूझ के तोड़ा है वैसे उसे, क्योंकि उसकी खीर बनेगी आज। उसको अब दादी जी बिल्कुल शेप में लेकर आएंगे खीर बनाने के लिए। और जो एक हिस्सा है वो जा रहा है, कहाँ ले जाना है इसको? गांव में पास में ही बुआ जी का घर है तो उनके घर पे जा रहा है ये हिस्सा। गोबर और ये जो चीज़ थी ये थोड़ी हार्ड हो गई, तो हम मम्मी जी इसको ऊपर से एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर अब थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा लोड ले सकता है ये। सैदीप यहाँ पे जो दीवार में नीचे और ईंट बाकी है वो निकाल निकाल कर दे रहा है यहाँ पर मुझे, और मैं यहाँ से उठाकर वहाँ पे जमा रहा हूँ। आज जैसे कि महाशिवरात्रि है तो सभी का व्रत है घर पे, यानी कि नहाने के बाद फिर व्रत वो फलियार करेंगे और पूजन वगैरह भी होगी, थोड़ी पूजा वगैरह। मंदिर भी जाऊंगा मैं। वो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था किसकी, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की वेव ऑप्टिक्स, जिसमें इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया, डिफ्रेक्शन वाला पार्ट बाकी है जो कि आज पूरा ख़त्म कर देंगे, और थर्ड यूनिट भी ख़त्म करने का टास्क रहेगा। दीवार में एक्स टाइप के कुछ निकले छोटे छोटे, पता नहीं किसके हैं। कहीं फिर से आसपास स्नेक ना हो। पापा जी वहां से ईंट निकाल रहे हैं। और इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई ईंट जमाते जमाते कि मेरा हाथ एंड तक नहीं पहुंच रहा अब, यानी कि वहां उससे आगे मैं ईंट नहीं जमा पाऊंगा। तो एक नीचे एक वो बनाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर खड़ा होकर फिर मैं और ऊपर तक ईंट जमा दूंगा। एक और स्नेक का बच्चा निकला यहाँ पे, सांप का दर्शन हो गया। और आज शिवरात्रि है, हिला हिला हिला। बाहर निकालते हैं इसको। अच्छी जगह यहाँ से हटा देते हैं उसको, नहीं तो चोट लग जाएगी। इस दीवार में कितने प्रकार के जानवर हैं, कहीं पे अंडे निकल रहे हैं, कहीं पे तो इसकी इसका बड़ा इसकी माँ भी निकली थी इसने। और ये देखो ये एक अलग एल्की, एक और था भाग गया वहां से, बट इसको देखो कितनी शाइनिंग रहती है इनके ऊपर। दीप उस स्नेक की फोटो खींच रहा है शिवलिंग रखकर साथ में। यहाँ पे इसके अंदर कल के जो आलू और सब्जियां खेत से लाए थे उन्हें धोते हैं इसके अंदर पानी डाल के। खेत के ताजे आलू देखो कैसे हैं, बाजार के वाइट होते हैं, ये लाल लाल से हैं, लाल आलू गुलाबी पिंक, ये लग ही नहीं रहे हैं कि आलू हैं। पुष्पदीप यहाँ पे नहा रहा है। आलू देखो कितने ज्यादा पिंक हैं, पता नहीं क्या कारण है इनके पिंक होने का, ये छोटे हैं या क्या हुआ इन्हें। और मैंने इतने साफ किए, अगर पूरे साफ करूंगा तो आधा दिन चला जाएगा। इन्हें और अच्छे से पानी में रहने देते हैं तो इनकी मिट्टी थोड़ी आसानी से हटेगी ऊपर से, अभी तो बहुत ज़्यादा घिसना पड़ रहा है उनको। आज की पूजा के लिए आरती की थाली प्रिपेयर हो रही है और मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। ये चने भी आरती में लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी लगेंगी, भांग ये धतूरा जो होता है ना ये वो धतूरा ही है। और यहाँ पे फलिहार की प्रिपरेशन भी चल रही है, कुछ कुछ बन भी गया है शायद। यहाँ पे देखो खीर बन गई है कद्दू की, और इसके अंदर साबूदाने की खिचड़ी भी बन गई। अब बस जल्दी से नहा लेता हूँ। यहाँ पे बेर भी रखी हुई है, ये भी पूजा में काम आएगी। और ये खेत की बेर है, घर का पेड़ तो कट गया। नहा लिए, पुष्पदीप भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया, मैं ही बचाऊँ, बस मैं भी नहा लेता हूँ जल्दी। सैदीप बैठा हुआ है फोन में लगा हुआ है, वो भी नहीं नहाया अभी तक। टाइम हो गया कितना, 11:49, और मैंने भी फाइनली नहा लिया।
साइड में ही भैया के घर पे मंदिर है, तो पुष्पदीप तो पहले ही जा चुका है मंदिर, अब हम दोनों भी चले जाएंगे और फिर भूख लगने लगी है तो फलियार कर लेंगे। मंदिर में और भी पहले से लोग थे जो सभी पूजा कर रहे थे, तो थोड़ा वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा और सहदीप का नंबर आ गया पूजा करने का। टाइम हो गया 12:20 और पूजा करके हम आ गए घर पे। अब भूख लग रही है तो फलियार कर लेते हैं। सदीप भी फलियार कर रहा है और मैंने भी अपनी प्लेट तैयार कर ली और हम दोनों सबसे पहले फलियार कर रहे हैं। अभी तक किसी ने नहीं खाया। मिट्टू को भी आज रोटी के साथ खीर देते हैं, लेकिन खीर ज़्यादा नहीं, इसमें शक्कर होती है क्योंकि, तो इसमें थोड़ा मिल्क और ऐड करके लाता हूँ, फिर मिट्टू को देते हैं ये। टाइम हो रहा है अभी 7:38 और कुछ खाने की चीज़ें क्या है मैं दिखाता हूँ। जी ने ये कुछ चीज़ें तैयार की हैं, खाइए भाई जी। कंदा है, शक्करकंद। शकरकंद है ये, सिके हुए शकरकंद। ये हलवा भी बना है, राजगिरा का हलवा। राजगिरा यानी कि जिससे हलवा बना है वो चीज़ यही है। ये हलवा भी खाएगा और ये भी खा रहा है। इतना है मेरे हिस्से में, इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेगा। नाइट गरम गरम चाय, टेस्टी लग रही है देखने में ही। तो मेरी कॉपी हमेशा ऐसे ही रखी रहती है। ये है फिजिक्स। इसके अंदर अभी एक बड़ा चूहा आ गया था, और चूहा आया इसलिए था क्योंकि इसके अंदर रखे हुए बड़े बड़े टमाटर इन्हें खाने के लिए। मैंने बाहर छोड़ दिया और अब चाय पी लेते हैं। जुकाम चल रहा है, सर्दी हो रही है मुझे थोड़ी, तो चाय हेल्प करेगी उसे ठीक करने में। चाय डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट। भैया जी चाय। हाँ।